Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will study about demerger. Capital gain के angle से भी study करेंगे, overall एक idea लेंगे, what is demerger, correct? So, I'm starting, we'll be studying about the concept of demerger. देखिए, अपने merger सुना होगा, amalgamation, जहां पर दो companies merge होके एक company बन जाए. So, जैसे होता है ना मैरिट डीमैरिट, इसी तरह से मर्जर डीमर्जर. डीमर्जर इज अपोजिट ऑफ मर्जर, यानी यहां पर एक कंपनी जिसकी बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हैं, एक डिवीजन जिसके बहुत सारे डिवीजन्स हैं, को वो एक अलग कंपनी में कन्वर्ट कर देती है. इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके पास सीमेंट डिवीजन है, पेपर डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डिवीजन है, एक्सपोर्ट डिवीजन है, मान लेते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी है. For whatever reason, company thinks that paper division should be converted into a separate company. Maybe इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा profit generate कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसकी एक अलग company बन जाए ताकि वो अपना और further progress करें. या वो हो सकता है company loss में जा रही हो, वो सोचे कि इसको company को अलग कर दें, इससे company के overall image खराब हो रही है. और वो company जब loss में जाएगी तो वो खुद देखेगी overall कि भी कैसे इसको हम profit में लाएं. या specialization के लिए हो सकता है company को अलग कर दिया जाए. सो बेसिकली डीमर्जर क्या हुआ कि दैट जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हैं उसके हिसाब से वो कंप्लायंस तो उनको करनी है, ऑब्वियसली कंपनी बनानी है, इंडिया की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पर होना क्या है कि दैट अ कंपनी विल बी डीमर्ज्ड एंड अ न्यू कंपनी विल बी क्रिएटेड कॉल्ड रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है ना. तो सबसे पहली बात तो जो समझनी है वो ये कि दैट a company having many divisions or undertakings is divided into two or more companies. Original company is known as demerged company and the company now coming into existence is known as resulting company. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि डीमर्जर का क्या मतलब है कि एक बड़ी कंपनी को तोड़ के दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में कर दिया गया. जिस कंपनी के साथ ये हुआ, ओरिजिनली जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी शुरू से, उसको बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी. और अब जो नई कंपनी बनी उसको हम बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी. ठीक है, सो बेसिकली डीमर्जर क्या हुआ. In demerger, one or more undertakings of demerged company is transferred to resulting company. That is the concept. In demerger, one or more undertakings of demerged company is transferred to resulting company. वो resulting company को हम उठा के ट्रांसफर कर देते हैं. नाउ कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कि जिसको हम एक वैलिड डीमर्जर मानेंगे. सो आई शुड गिव द हेडिंग द कंडीशंस फॉर वैलिड लीगल डीमर्जर. पहली बात, ऑफिशियल लैंग्वेज में आपके असाइनमेंट्स में दिया हुआ, मैं तो थोड़ा सा आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूं. That all the property of undertaking should be transferred. यानी कि जब demerge हो रहा है company और कोई resulting company create हो रही है, तो जो भी division या जो भी undertaking हट रहा है main company से बाहर जा रहा है, उसकी सारी properties चली जाएंगी. All the property of the undertaking being demerged, being transferred to the resulting company should be transferred. All the property. इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी.
all the property of the undertaking should be transferred. That is the concept. And similarly, all the liabilities also. जैसे मैंने कहा आपको सारी assets transfer होंगी, उसी तरह से all the liabilities will also be transferred. और तीसरी बात, transfer of assets and liabilities, transfer of assets and liabilities will be at book values. That means the values appearing in the books of accounts. तो कोई लास्ट मोमेंट रिवैल्यूएशन नहीं चलेगा, जो भी उनकी बुक्स में वैल्यूज थी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उस पे वो ट्रांसफर होंगे. फोर्थ, रिजल्टिंग कंपनी विल इश्यू प्रोपोर्शनेट शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी. पर आए थोड़ी हैं उन्हीं लोगों से, तो टूट के ही कंपनी अलग बनी है. तो ओरिजिनली जो ऑनर्स हैं वो तो डीमर्ज कंपनी के ही मालिक है ना. जो ओरिजिनल कंपनी थी वो डीमर्ज कंपनी है. तो अब जो नई कंपनी बनी वो अपने शेयर्स अलॉट नहीं करेगी उन्हीं शेयर होल्डर्स को, तो करेगी जिन्होंने ये कंपनी बनाई. इन ए वे है नहीं, सब्सिडरी कंपनी नहीं बोलते इसको, रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं. बट देखा जाए तो फंडा वही जैसा नहीं हो गया. बट सब्सिडरी कंपनी में तो क्या होता है, एक नई कंपनी क्रिएट की जाती है, पुरानी कंपनी एज इट इज अपना काम करती रहती है. यहां पर क्या है कि पुरानी कंपनी में से एक डिवीजन तोड़ के अलग कर दिया, बट फंडा तो वही है ना. जो शेयर होल्डर्स ए लिमिटेड के थे वही तो अब इस रिजल्टिंग कंपनी को भी चलाएंगे ना इनडायरेक्टली. तो देखा जाए तो वो जो शेयर्स हैं वो उनको अलॉट होते हैं. और इनकम टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट से मिनिमम 75% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, नंबर में नहीं, इन वैल्यू, मिनिमम 75% ऑफ शेयर होल्डर्स जो है, जो पुरानी कंपनी के थे, वो रिजल्टिंग कंपनी को एक्सेप्ट करें. तो मिनिमम 75% शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी शुड बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी. ठीक है ना. सो एक वैलिड डी मर्जर के लिए क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली बात तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर हो, जो भी ट्रांसफर हो रही है एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो बुक वैल्यू पे हो. रिजल्टिंग कंपनी पुरानी कंपनी जो थी डी मर्ज्ड कंपनी, उसके शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करे, और उस पुरानी कंपनी के कम से कम 75% शेयर होल्डर इस प्रपोजल पे एग्रीड हो और वो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बने, रिजल्टिंग कंपनी है. ठीक है ना. नाउ अब सवाल ये उठता है कि शेयर अलॉट हो गए तो अब वो शेयर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, पीरियड कहाँ से होगा, इंडेक्सेशन कहाँ से होगा, कॉस्ट कहाँ से आएगी? शेयर तो फ्री में अलॉट हुए हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, तो उनको जो शेयर अलॉट हुए उसकी क्या कॉस्ट मानी जाएगी? क्या फ्री में मिले हैं तो जीरो मानी जाएगी? और फिर जो ओरिजिनल डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर खरीद रखे थे उनका क्या होगा? ये सारे इशू फिर खड़े हो जाएंगे. तो इन सबको मैं समझाता हूँ और फिर इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा. और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि वो जो कंपनी है रिजल्टिंग कंपनी, उनको जो एसेट्स मिली, ये तो अभी मैं एंगल डिस्कशन करना शुरू कर रहा हूँ फ्रॉम द एंगल ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी के एंगल से भी कि वो जो एसेट्स मिली थी उसकी कॉस्ट क्या होगी, पीरियड क्या होगा. ये कुछ विषय हैं डिस्कशंस के लिए हमारे इस वीडियो में. चलिए शुरू करते हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी. अब शेयर्स तो अलॉट कर ही दिए, चाहे डीमर्ज वालों को किए, जिसको भी किए, बेसिकली उसी के एंगल से हम देखें. तो जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होगा, पीरियड कहाँ से काउंट होगा, क्या वो पीरियड पीछे से काउंट होगा? तो इसके बारे में वो मंजुला जे शाह वाली जो रूलिंग थी वो यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगी. तो मैं यहाँ सबसे पहले ये लिख रहा हूँ, दैट रूलिंग ऑफ CIT वर्सेस मंजुला जे शाह इज एप्लीकेबल. तो उससे क्या हुआ, इट मीन्स द पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी एंड इंडेक्सेशन
will also be allowed from that date. खत्म. सिंपल सी बात यह है, कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर स्टाइल में पीरियड भी पीछे से काउंट होगा, इंडेक्सेशन भी पीछे से अलाउ होगा. दैट्स इट, बस इतना है. सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर स्टाइल से भाई जैसे पिछली कंपनी थी डीमर्ज, उसी के बदले में ये रिजल्टिंग कंपनी क्रिएट हो गई, नई कंपनी के शेयर्स अलॉट हो गए, तो जो पीरियड है इंडेक्सेशन है वो पीछे से काउंट होगा. बस इतना सा आपको समझना है. द पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी. वो पीछे से काउंट हो रहा है डीमर्ज कंपनी से, और इंडेक्सेशन भी आपको पीछे से ही अलाउ हो रही है. अब सवाल ये उठती है कि हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, cost of acquisition of shares of resulting company. वैसे मिले तो फ्री में है, लेकिन अब ये करने क्या वाले हैं, ये करने वाले हैं कि जैसे अगर सपोज 100 करोड़ की कंपनी में से 5 करोड़ की एक अंडरटेकिंग अलग कर दी है, तो 5% कॉस्ट मानी जाएगी शेयर्स की रिजल्टिंग कंपनी की, और डीमर्ज कंपनी की शेयर्स की कॉस्ट मानी जाएगी 95% पे. यानी कि जैसे सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूं एक ऐसी कंपनी का जो कि 100 करोड़ की कंपनी थी. डेटा थोड़ा सा तो दिमाग में रखना पड़ेगा जब मैं वर्बल एग्जांपल्स लेता हूँ, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं, और फिर बाद में हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फॉर्म में भी करेंगे. मैं कह रहा हूँ मैं एक 100 करोड़ की कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मेरे शेयर्स की कीमत जो है मान लेते हैं वो 10 लाख है. छोटे लेवल पर ले लेते हैं, आप इजीली समझ लेंगे. 100 करोड़ की कंपनी में मेरे 10 लाख के शेयर्स हैं. अब वो कंपनी टूट के अलग हो गई और उसमें से 5 करोड़ की कंपनी अलग कर दी, 100 करोड़ में से 5 करोड़ की कंपनी. ठीक, तो इसका मतलब जो मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो भी तो 5% डाउन हो जाएगी ना. सो इट विल रिड्यूस बाय 5%, तो वो रह जाएगी 10 लाख से घटके 9.5 लाख, 9,50,000. और वो जो शेयर्स अलॉट हुए उनकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 50,000. सो सिंपल. इन्हीं चीजों को अब हम फॉर्मूले में ले लेते हैं. सो सेक्शन इसका छोड़ दीजिए, वैसे सेक्शन 49(2)(c) है. अगर हम इसका थियोरेटिकली बुक में से देख के लिखी लें तो इट इज सेक्शन 49(2)(c) कि हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी. तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने लगाई थी ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, राइट, उसको लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है. इसका एक अलग से हम फॉर्मूला लेंगे, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर. जैसे मैंने कहा 100 करोड़ की कंपनी में से 5 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए, तो ये वो है फंडा. बात आ रही समझ में? तो दैट इज द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड इन द डीमर्जर. और उससे पहले लेना है कि कंपनी की नेटवर्थ थी कितनी. यानी जैसे मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ थी कंपनी की, तो वो भी तो वो वैल्यू रेलिवेंट रखती है ना, तभी तो पता चलेगा कितना परसेंट टूट गई वैल्यू. तो इट इज द नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी immediately before demerger. यानी demerger से पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी. जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज 100 करोड़ की कंपनी में से 5 लाख रुपए नेट बुक वैल्यू ऑफ assets, मीन्स assets माइनस liabilities, नेट बुक वैल्यू, वो कंपनी आप वो assets आपने ट्रांसफर कर दी, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 10 लाख की, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डीमर्ज कंपनी. नहीं होना चाहिए ऑफ शेयर्स, ये हिल जाएगा सारा. इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, अभी आ गया. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी. सपोज मैंने जैसे कहा 10 लाख में मैंने शेयर्स खरीदे थे डीमर्ज कंपनी के, और कंपनी की जो नेटवर्थ थी 100 करोड़ थी और उसमें से 5 करोड़ की एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, तो 5% एक तरह से वो जो वैल्यू आ जाएगी वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की मानी जाएगी. यहाँ पर मैं एक नोट में लिखवा भी देता हूँ कि जो नेटवर्थ है, द नेटवर्थ हेयर इज रेफरिंग टू द पेड अप शेयर कैपिटल, द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस द जनरल रिजर्व्स, जो भी कंपनी के थे इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर. तो उस वक्त नेटवर्थ इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर, यानी उस समय कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, जनरल रिजर्व्स कितने थे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो हमारी नेटवर्थ है और उसमें से हमने कितनी की वैल्यू ट्रांसफर कर दी.
वैसे देखने में ऐसा लगेगा जैसे याद करना, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बहुत एफर्ट करके आपको समझाया है कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है तो उसी हिसाब से ये है। और जो भी वो कॉस्ट आ रही है उसको अगर हमें इंडेक्स करने की जरूरत पड़ती है तो वो हम पीछे से करेंगे जहाँ से हमने ओरिजिनली खरीदा था। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि जो शेयर होल्डर्स थे उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है पुरानी कंपनी के, ट्रीटमेंट फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, जहां तक इसका सवाल, इसका सेक्शन हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 49(2)(d), ठीक है ना। 2(d) के हिसाब से इनकी जो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, इनकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, आई शुड यूज द वर्ड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम 10 लाख की, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट और 5% कंपनी टूट गई, तो उसकी रिवाइज वैल्यू अगर 50,000 आ रही है तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज शेयर्स की, डीमर्ज कंपनी के शेयर्स की 10 लाख थी, सो इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 50,000, तो 9,50,000 हो जाएगी। सो माय रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। चलिए हाथ के हाथ इसमें हम बात कर लेते हैं डीमर्ज कंपनी का क्या होने वाला है, उसके लिए क्या कॉस्ट मानी जाएगी। तो इसके लिए भी वही है कि देखो, एक कंपनी डीमर्ज हुई, डीमर्ज होकर रिजल्टिंग कंपनी में, अब रिजल्टिंग कंपनी के हैंड्स में जो भी कॉस्ट है वो कौन सी हुई, द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपनी, जो डीमर्ज कंपनी के हैंड्स में कॉस्ट थी वही तो मानी जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसको भी मैं हाथ के हाथ हेडिंग में लिख देता हूं, ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। हम इसमें पढ़ना क्या चाह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स नाउ हेल्ड बाय रिजल्टिंग कंपनी। जैसे मान लेते हैं कोई बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को, कल को अगर वो रिजल्टिंग कंपनी उस एसेट को बेचती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो इट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकर्ड बाय डीमर्ज कंपनी, वही प्रीवियस ओनर, एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, पूरे लिख दूं, एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बाय बोथ। नेचुरली कहने का मतलब है कि जैसे बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेके समझ लें कि सपोज एक बिल्डिंग थी जो कि पहले डीमर्ज कंपनी के पास थी, अब रिजल्टिंग कंपनी के पास चली गई, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो उसके लिए कॉस्ट मानी जाएगी। डेप्रिशिएटेड एसेट्स में डेप्रिशिएटेड वैल्यूज ली जाएंगी, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनमें नॉन डेप्रिशिएटेड वैल्यू ली जाएगी, अगर इंप्रूवमेंट किसी ने खर्ची है तो वो भी कंसिडर की जाएगी, नहीं। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स नाउ हेल्ड बाय रिजल्टिंग कंपनी विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकर्ड बाय द डीमर्ज कंपनी एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बाय बोथ। जहां तक पीरियड का सवाल है तो वही कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर मंजुला शाह वाला रूलिंग लगेगी, द इंडेक्सेशन विल बी अलाउड, द इंडेक्सेशन विल बी अलाउड फ्रॉम एक्विजिशन ईयर, विल बी अलाउड फ्रॉम एक्विजिशन ईयर ऑफ रिजल्ट डीमर्ज कंपनी। ठीक है ना, तो इसको जो हम अलाउ करेंगे वो डीमर्ज कंपनी ने जिस साल लिया वहां से इसको हम अलाउ करेंगे, यानी वही बैकवर्ड, पीछे से इसका पीरियड अलाउ होगा, पीछे से इसकी कॉस्ट ली जाएगी, वही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर कराएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डी मर्जर ये हम इस वीडियो में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि कंपनी के पास बहुत सारे डिविजन्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, और उसको तोड़ के हम अलग कंपनीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मे बी एक ही अंडरटेकिंग को एक अलग कंपनी बना रहे हैं। तो जो ओरिजिनल कंपनी थी जो अब टूट के अलग हुई उसको बोलेंगे डी मर्ज कंपनी, और जो नई क्रिएट होगी उसको बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी। सो बेसिकली इन डी मर्जर वन और मोर अंडरटेकिंग्स ऑफ डी मर्ज कंपनीज ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी। कंडीशंस ये हैं कि इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर जो भी उस कंपनी की एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे,
और रिजल्टिंग कंपनी भी फिर प्रोपोर्शनेट शेयर्स इशू करेगी शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी की, पैसा और असेट्स तो सब वहीं से आ रहे हैं ना, और मिनिमम 75% शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी जो है वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे, वो इस चीज पे एग्री करेंगे कि हाँ हमें ये जो चीज वो है अलाउड है, राइट। जहां तक सवाल है ट्रीटमेंट फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी में, तो सीआईटी वर्सेस मंजुला जी शाह इसके ऊपर एक तरह से एप्लीकेबल हो गया। तो जो नई कंपनी के शेयर्स हैं हमारे पास रिजल्टिंग कंपनी के, उनका पीरियड भी पीछे से काउंट होगा और इंडेक्सेशन भी पीछे से होगा। जहां तक सवाल है कि कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, तो जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमने की थी डीमर्ज कंपनी में उसको मल्टीप्लाई करेंगे नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी। कहने का मतलब यह है कि अगर एक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, कोई और एग्जांपल फिगर वाइज ले लेते हैं, सपोज एक 40 करोड़ की कंपनी में से 8 करोड़ का एक हिस्सा उठा के अलग कर दिया, तो यानी 20% अलग हो गया ना। 40 करोड़ की कंपनी में से अगर आप 8 करोड़ का एक डिवीजन अलग कर दोगे नेटबुक वैल्यूज को, तो 20% गया। तो इसका मतलब अब मैंने अगर ओरिजिनल कंपनी में 60,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, तो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मुझे पड़े एक तरह से 12,000 रुपये के, और पुरानी कंपनी की जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की, वो अब एक तरह से रिड्यूस हो जाएगी 12,000 से, और वो रह जाएगी 48,000। पीरियड पीछे से काउंट होगा, इंडेक्सेशन पीछे से मिलेगा, वही हाल असेट्स का भी होगा जो रिजल्टिंग कंपनी में चली गई, उस केस में भी पीरियड और इंडेक्सेशन वगैरह सब पीछे से अलाउ किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उससे काफ़ी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 6.59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन कहता है ए एक्वायर्ड 1,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। याद रखना दिस बी लिमिटेड इज डीमर्ज्ड कंपनी। हुआ क्या है, 1,000 शेयर्स खरीदे गए हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, यानी टोटल ₹80,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। इसका मतलब 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, सो द टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹80,000। लिए कब गए हैं, इट इज इन द फाइनेंशियल ईयर 2003-04, ठीक है। मैं उसका इंडेक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूं, जरूरत पड़ेगी क्योंकि इंडेक्स पीछे से काउंट करना है इवन आफ्टर डी मर्जर 463, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है बी लिमिटेड द ओरिजिनल कंपनी इज डी मर्ज इन द ईयर 2010, और जो नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड हुई है वो है 40 लाख। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड is equal to ₹40 lakhs। आगे क्वेश्चन कहता है assume the paid up capital in general reserves, paid up capital plus general reserves, वो इसने क्वेश्चन दिया है हमारे को 2 करोड़ का, that's 2 crores, that is इसको हम क्या बोलेंगे, net worth। अब जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में तेज हैं वो मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे इसको easily देखते ही, कि 2 करोड़ की कंपनी में से 40 लाख का हिस्सा अलग कर दिया, मीन्स 20% उठा के अलग कर दिया। तो जो 80,000 की इन्वेस्टमेंट ऊपर दी हुई है, 16,000 तो बन गए माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, और 16 इसमें से माइनस करके 64,000 मेरी रिवाइज वैल्यू रह गई फॉर द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। जो नई कंपनी बनी है उसका नाम दिया है एक्स लिमिटेड, तो दिस एक्स लिमिटेड इज इक्वल टू माई रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है ना। So my cost of acquisition of shares of X Limited, the resulting company, will be my investment, that is 80,000, है ना, 80,000 into the net value transferred, net book value of the assets transferred, ये होगी 40 lakhs, और इसको मैं divide कर लूँगा मेरी total net worth से, which is 2 crore, है ना। तो ये वैल्यू मेरी निकल के आ रही है 16,000। फ्रैंकली मैंने कैलकुलेटर नहीं घुमाया, मुझे वैसे ही दिख रहा है ये 20% गया है, तो 80,000 का 20% तो निकाल ही लेते हम, 16,000, है ना। और जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड है, जो कि डीमर्ज कंपनी है बेसिकली ओरिजिनल कंपनी, वो कितनी आ जाएगी, दैट इज मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 80,000, इसमें से माइनस हो गया मेरा 16,000, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 64,000। 64,000 इज माय रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द बी लिमिटेड, व्हिच इज डीमर्ज कंपनी, एंड दिस इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
दिस इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है ना। ये जो 16,000 आ रही है, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, तो ये 16,000 उसकी वैल्यू आ गई और 16,000 से घट करके बी लिमिटेड की वैल्यू मेरे पास आ गई 64,000। आगे क्वेश्चन कहता है, ऑन 23rd of March 2016 द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड आर सोल्ड एट 250 पर शेयर, ओके, एंड द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 96 पर शेयर। 1000 शेयर है हमारे पास, इस चीज को भूलना नहीं, तो जो भी हमारे को दिया गया है वो इस 1000 शेयर के हिसाब से हम चलेंगे, करेक्ट। प्रोपोर्शनेट शेयर अलॉट हुए होंगे ना, तो 1000 वाले को 1000 ही दिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे को ये मिल रहा है कि जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन डीमर्ज कंपनी, वो दिए इसने 250 पर शेयर, इट्स रुपीज 250 पर शेयर, है ना। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन द रिजल्टिंग कंपनी जो मुझे मिली है, दैट्स रुपीज 96 पर शेयर इन द लेटेस्ट ईयर, ठीक है ना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आ रही है पुरानी कंपनी की, दैट्स 250 पर शेयर, एंड द लेटेस्ट कंपनी इज 96 पर शेयर। तो चलिए मैं दोनों को यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ अलग अलग, इसका मैं एक अलग बॉक्स बना लेता हूँ छोटा। तो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ सपोज डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स की सेल का, डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स की जो सेल है मेरी, उसको अगर मैं बात करूँ तो मेरे 1000 शेयर्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लिखूँ तो मेरे 1000 शेयर 250 के बिके हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 250,000। इसमें से मैं लेस करूँगा मेरी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो मैंने निकाली ली थी रिवाइज्ड 64,000, तो 64,000 इंटू 1081 डिवाइडेड बाय 463, इसमें तो आना ही 463 है, आना दूसरी में भी 463 है, बट वहाँ तो एज पर रूल आया, ये तो खैर लिया ही हमने तब था, सो अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी जाएगी। 64,000 into 1081 डिवाइडेड बाय 463, ये वैल्यू आ रही है 149,425, ठीक है। सो दिस इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, जिनकी रिड्यूस्ड कॉस्ट 64,000 आ रही है, ठीक है जी। सो 250,000 माइनस 149,425 यार ये है 1,00,575, इट्स 1,00,575, करेक्ट। चलिए आगे अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन फॉर रिजल्टिंग कंपनी। नाउ कंप्यूटेशन of capital gain on transfer of shares of resulting company के shares को बेचने में मेरे को पैसे मिले हैं। My full value of consideration is equal to 1000 shares into 96, इतना मुझे पैसा मिला, तो ये हो गया 96,000। इसकी मैं इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये हो गई मेरी 16,000 रुपये कीमत आ रही थी शेयर्स की 1081। बेस इंडेक्स में वही लूंगा पुराने वाला 463, बेनिफिट मेरे को अलाउ किया जा रहा है मंजुला जय शाह रूलिंग की वजह से, तो 16,000 into 1081 डिवाइडेड बाय 463, माई कैलकुलेटर से 37356, ठीक है जी 37356, करेक्ट। सो दिस इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिजल्टिंग कंपनी का जो इसका बिका है 96,000 माइनस 37356, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 58644, ठीक है। सो क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में, ब्रॉडली हमने यही सीखा कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 की थी, 2 करोड़ की कंपनी में से 40 लाख अलग हो गया 20%, तो 80,000
20% डाउन होकर रह गया 64, और जो नई कंपनी थी 64 और जो नई कंपनी थी उसका 20% आगे 80,000 का 16। मेन बात यह है, उसके बाद इंडेक्सेशन में एक मेन बात यह है कि जो बेस इंडेक्स 463 है, मैंने डीमर्ज कंपनी में भी, ध्यान दीजिएगा, मैंने डीमर्ज कंपनी में भी बेस इंडेक्स 463 लिया, और उसके बाद जो रिजल्टिंग कंपनी की मैंने कंपटीशन की है उसमें भी मुझे वो पीछे से ही इंडेक्स मिल गया, मैंने इसमें भी 463 लिया। मेन बात इसमें समझने की है कि डीमर्ज कंपनी में भी 463 बेस इंडेक्स लिया है और रिजल्टिंग कंपनी में भी 463 ही बेस इंडेक्स लेके चले हैं। बाकी तो फिर कंसेप्ट वाइज इसमें मैंने आपको बता ही दिया, बेसिकली कंपनी तोड़ के नई खड़ी कर देते हैं, 75% शेयर होल्डर एग्री करें, बाकी तो कोई खास इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, है ना। तो पढ़ लीजिए, और बाकी अगर डिफिकल्ट लगे भी तो देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं तो अभी आपके पास अवेलेबल ही हूँ, ऑलवेज जस्ट ए फोन कॉल अवे। ठीक है, थैंक यू सो मच।